All right, so unfortunate news coming in, and we can confirm the first coronavirus death in India. Coronavirus से जुड़ी बड़ी खबर है. Coronavirus से देश में तीसरी मौत हुई है. मुंबई के अस्पताल में कोरोना पीड़ित 64 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको. साल 2020 पहले क्वार्टर से ही दुनिया में तबाही मचाने वाला coronavirus इंडिया में भी आ चुका था और यहाँ भी सिचुएशन खराब करना शुरू कर चुका था. WHO has been assessing this outbreak around the clock. इसी बीच 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. दुनिया भर में डर फैल गया. तब से लेके आज तक इंडिया में कई उतार चढ़ाव देखने को नजर आए. आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा जो आज कितना कारगर साबित हुआ है. इस बीच हमारे एक्शंस पे सवाल रहे ही जाता है. मीडिया में भी अलग अलग समय पर अलग अलग न्यूज दिखाई दिए. दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अलग अलग समय पर लेके जाएंगे. ये तब की बात है जब हमारे यहाँ लॉकडाउन भी शुरू नहीं हुआ था, पर हमारे यहाँ के नेताओं को इस डेडली वायरस का इलाज भी मिल चुका था. वो करोना इसी तरह का मैंने नारा दे दिया था और अभी मैं नारा दे रहा हूँ कि भाई वो करोना नो करोना नहीं होना चाहिए. काउडांग हो गोमूत्र है, वो उस गोमूत्र से पंचामृत बनाया जाता है. पंचामृत शरीर के सारे रोगों के इलाज हो जाते हैं अपने आप. जब हवन में काउडांग इस्तेमाल करते थे पहले ऋषि मुनि, तो कहा जाता है ऐसे हवन से 5 किलोमीटर जो एरिया है जहाँ हवन होते हैं तो शुद्ध हो जाता है. जो वायु है, वायु संपूर्ण शुद्ध हो जाता है. ये कोरोना वायरस जैसे डिजीज, ये तो एयरबॉर्न डिजीज है, तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए. उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे. 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया. सुबह 7 से लेकर रात 9 बजे तक लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया, पर कई लोग ऊटपटांग हरकतें करते नजर आए. और इसके 3 दिन बाद ही 21 दिन के लिए इनिशियली लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसे बाद में बढ़ाया भी गया. कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम का एडवाइस मिलने लगे अपने अपने ऑथोरिटीज से. शुरुआती दौर में WHO एक बार इंडिया का तारीफ भी करता है. पूरा देश एकजुट होकर साथ में खड़ा होकर फाइट करने लगा. पर इसी बीच खबर आई, इंडिया में कोरोना फैलाने में इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के तबलीगी जमात का हाथ है. एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है. बस शुरू हो गई मीडिया में लड़ाइयां. लेकिन जमातियों की बेवकूफी ने कोरोना की रफ्तार बढ़ा दी. दिल्ली के मरकज से निकलकर ये जमाती जहां जहां फैले कोरोना फैलाते चले. देश में कोरोना के विस्फोट के लिए तबलीगी जमात का मरकज जिम्मेदार माना जा रहा है. मौलाना साद पर विदेशी फंडिंग का आरोप है. साद इस आरोप को खारिज करते हुए कहते हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है. हमें इसका गर्व है कि आज तक कभी मरकज का नाम किसी असंवैधानिक काम से नहीं जुड़ा. साथ कहते हैं, ये दुख की बात है कि जमात से जुड़े कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जमात से जुड़े ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. क्या इससे कोरोना के लिए मरकज जिम्मेदार हो जाता है? मौलाना साद का कहना है कि मार्च में होने वाला कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था. हालांकि बाद में जब कोर्ट सभी आरोपियों को बड़ी करते हैं, उस खबर को न्यूज चैनल वालों ने नहीं दिखाया. दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आरोपों का सामना कर रहे 36 विदेशियों को बरी कर दिया है. इधर अचानक लॉकडाउन लग जाने की वजह से इमिग्रेंट मजदूर से लेकर कई लोग बाहर ही अटक गए. रहने, खाने और लॉकडाउन की सीमा की क्लैरिटी नहीं होने के वजह से लोग घरों के तरफ पैदल ही निकल पड़े.
बहुत ही दुखद पिक्चर सामने आने लगी। मीडिया ने फिर एक बार तब फुर्ती दिखाई जब बाबा रामदेव की पतंजलि ने जून 2020 को कोरोना की मेडिसिन बनाने का दावा करने लगा। स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि स्वस्थ भारत की दिशा में आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और अब बात करते हैं कि क्या कोरोना की संजीवनी मिल गई, क्या कोरोना वायरस की पहली दवा भारत में तैयार कर ली गई है। ये स्वासारी खाली पेट तीन तीन गोली तीन बार और कोरोनिल खाने के बाद तीन तीन गोली तीन बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा, तीन दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। Alright, today Patanjali also launched its medicine to heal those suffering from coronavirus in a huge U-turn. पर एक ही हफ्ते में पतंजलि इस दावे से पलटी खा गए। सुनियोजित भ्रम और षड्यंत्र की भू आती है जिस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया। वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियां बनाई है, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है, और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। वैसे इसके अलावा भी बीच बीच में कोरोना की दवाई बनाने का दावा कई औरों ने भी किए। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि कोरोना की वैक्सीन के लिए। दिसंबर 2020 तक में ये खबर आई कि वैक्सीन बहुत जल्द आने वाला है। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। 2021 के मिड ऑफ फरवरी से ही फिर सिचुएशन खराब होने लगा और नेताओं के रैलीज के साथ बाकी सोशल, रिलीजियस और अदर गैदरिंग्स ऐसे बढ़ने लगे कि नेता मंत्री तक में से ज्यादातर लोगों ने कोविड गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं किए। मेरे फोन बजते रहते हैं। इधर एक साल के बाद भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया ये आप देख सकते हैं। दो घंटे की ऑक्सीजन बची है, हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। इलाज कराने के लिए तो हम ले ही गए, लेकिन इलाज ठीक कराने में ठीक नहीं हुआ। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको 1,05,000 में 2 सिलेंडर खरीदना पड़ा। सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं। At least 10 COVID patients have reportedly died due to low pressure in liquid oxygen tank at a government medical college in Madhya Pradesh, Ardol district. अक्सर में गंगा नदी में कई शव तैरते दिखे, लाशें नदी में बहते और रेतों में दफनाए दिखे, शमशान और कब्रगाहों में जगह नहीं मिली। यूपी fresh reports have emerged of multiple bodies found buried in sand at 2 locations by the Ganga in Unnao district, just 40 kilometers from state capital Lucknow. Most of the bodies were wrapped in a saffron cloth. It's not clear if these bodies are of COVID victims. Locals believe the shortage of wood for funeral pyres might be one of the reasons why corpses are being abandoned in this manner. फिर अदालतों की डांट फटकार पड़ने लगी। केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों का एक जिम्मेदार पंचायत चुनाव और उसमें जुटने वाली भीड़ भी मानी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यूपी सरकार को नहीं फटकारा है। इस बार की टिप्पणी यह है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए अगर कोई संस्थान जिम्मेदार है तो वो चुनाव आयोग है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर केस चलाना चाहिए। पर तब तक देर हो चुकी थी और दुनिया में हमारा हालत सबसे ज्यादा खराब होने लगा। देखिए दुनिया क्या कह रही है हमारे बारे में। People dying on the streets from lack of oxygen and packed crematoriums.
This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. In contrast, just a few months ago, the Prime Minister declared victory against the pandemic. उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है. After that, there were political rallies, mass gatherings, and religious festivals like this one. And then on April 21st, the country reported a record number of COVID-19 cases in a single day. And those numbers kept growing for several weeks, with many health experts saying real numbers are likely much higher. By May 7th, deaths soared past 4,000. As COVID cases in several Western countries have trended lower, the scale of infection in India and a new variant first reported there have alarmed the rest of the world. Headlines for you at 6 o'clock this morning. A country struggling to breathe. India registers a record-breaking number of new coronavirus cases for a fifth day in a row. Many countries are still experiencing intense transmission, and the situation in India is beyond heartbreaking. The crisis in India is becoming more devastating by the hour, with more than 200,000 lives claimed by COVID, more than 360,000 new infections in just the last 24 hours, breaking the global record for a single day. Now you're here, and you're living the American dream, and you're vaccinated, and any American over 16 can get vaccinated. And I wonder what it's like for you to be in this position and then look at what's happening in the country you love. The situation there is dire, and it's been heartbreaking to see, and I think there are the worst is yet to come. What's been heartening, at least being here, is definitely seeing the attention here. I realize that at the highest levels, from President Biden, Secretary Blinken, there's been focus on engaging to see how we can help India and the other countries being affected. And particularly over the last weekend, in an unprecedented way, more than 100 CEOs, the US Chamber, the Business Roundtable, and the US-India Strategy Partnership Forum came together with the administration to mobilize and do our part to help. So that's been good to see, and India deserves our attention right now. India deserves their attention right now, and you think the worst is still to come. आप सबने देख लिया कि इस समय देश की स्थिति कैसी है. तो 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए 28 अप्रैल से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. इसलिए आप ये तिथि नोट कर लीजिए. वैक्सीन का ये तीसरा चरण होगा और ये 1 मई से शुरू हो जाएगा. Remember the Cowin app? There is a slight issue which is being reported by some people who are logging on to the server. अभी इस पैंडेमिक से जूझते हमारा हाल कैसा है वो तो आप इस वीडियो में देख ही लिए. बॉडी ठंडी थी. इसमें दिखाए गए सिचुएशंस और इनिशिएटिव्स में से आपको जो भी सही लगे वो भी आप ही समझ लीजिए. सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई. आज हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं. ऐसे में हमारे लिए जरूरी है स्टे होम, मास्क अप एंड स्टे सेफ. बस आज के लिए इतना ही. बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए. कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.